सदर सांसद रवि किशन ने मंगलवार को खोराबार ब्लॉक पर 19 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान सदर सांसद रवि किशन ने जागरूकता मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू करने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत पूरा एक महीना फॉगिंग मशीन गांव-गांव जाकर सभी घरों को फॉगिंग करेगा, जिससे कि मच्छर मलेरिया जैसी जल जनित बीमारी पर लगाम लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि जनपद पहले इंसेफ्लाइटिस रोग के लिए जाना जाता था, लेकिन अब जनपद में इंसेफ्लाइटिस का कोई मरीज नहीं है। इसका कारण है कि शहर व गांव-गांव जा जाकर सफाई कर्मचारी नालियों की सफाई व फॉगिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में जल जमाव होने से मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए कहीं पर भी जल को जमा ना होने दें। उन्होंने कहा कि फॉगिंग मशीन के साथ साथ मोबाइल वैन को भी रवाना किया गया, जो कि गांव-गांव जाकर लोगों को दवा उपलब्ध करवाएगा, जिससे लोगों को संचारी रोगों से बचाया जा सके। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, डॉक्टर एके बर्नवाल सहित आशा व आंगनबाड़ी वर्कर मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे तथा सदर सांसद रवि किशन ने कहा, विकलांगता जिनको हो जाती थी या फिर जिनकी मृत्यु हो जाती थी, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया, सब गांव कवर करना, गांव छोड़ना नहीं। सुबह में 8-9 बजे चालू हो जाएगा और शाम के 5 बजे एवरी डे उसका मूवमेंट, और उसको बताएगा कौन कहाँ जाना है वो यहाँ से माइक्रो प्लान, और वो रोज यूज, और उस मोबाइल वैन में क्या क्या लोडेड है, क्या क्या सुविधाएं हैं अंदर, मशीन सभी तरह की जांचें हैं, जितने भी चिकन आज से 19 तारीख से विशेष संचारी रोग नियंत्रण का शुभारंभ हो रहा है। ये पूरा एक महीना चलेगा, 17 नवंबर तक चलेगा, जिसमें सभी 11 जो विभाग हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग नोडल है, साथ साथ पंचायती राज, नगर निगम, स्कूल हेल्थ और गांव की जो हैं, और पशुपालन विभाग, इस तरह से 11 विभाग जो हैं सब एक साथ में काम करते हैं, जिससे कि सफाई स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, और जिससे कि जो इस तरह की बीमारियां होती हैं जो स्वच्छता कम होने की वजह से होती हैं, उनको भगाने के लिए उसमें खासकर JEAS के ही सारे तत्व हैं, बीमारियां हैं जो इसके साथ में जुड़ी हुई होती हैं, उसको लेकर के अभियान चलाया जा रहा है जो एक महीने चलेगा, जिससे कि हम JEAS से छुटकारा पा सके। विशेष संचारी अभियान का शुभारंभ हुआ है, क्या कहना चाहिए? मैं पूज्य महाराज जी, राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे CMO महोदय को, बर्नवाल जी हैं, पांडे जी हैं, हम लोग
यहाँ खड़े हैं। ये बहुत ही अच्छा संकेत है राज्य सरकार का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, कि अब गांव-गांव में फॉगिंग मशीन जाएगी, डेंगू मलेरिया या किसी भी जंतु कीटाणु नहीं होंगे। अब साइकिल पे हमारे लड़के जाएंगे, हर गांव में फॉगिंग करेंगे जैसे शहरों में होता था। तो ये गोरखपुर में प्रथा शुरू हुई है, जिससे बहुत सारी बीमारियों से हम लोग मुक्त होंगे। जैसे गोरखपुर जाना जाता था इंसेफ्लाइटिस के लिए या डेंगू के लिए या मलेरिया के लिए, लेकिन ये फॉगिंग मशीन जाएगी, उनका ख्याल रखेगी और सारे, क्योंकि बरसात के बाद मच्छर और कीटाणु होते हैं, उनको मार दिया जाएगा। प्लस जो सबसे अच्छी बात हुई कि अभी एक मोबाइल वैन है, एक अपने आप में डिस्पेंसरी है, अपने आप में एक दवाखाना जो हर गांव में, हर जिला पंचायत में, हर विधानसभा में जाएगा। और उसकी कैसे उसकी मूवमेंट क्या रहेगी आप बताइए जरा। एमओआईसी यहाँ से करेंगे, हर गांव-गांव जैसे किसी ने जाना है, एक महीने चलेगा, सुबह में 9 बजे चालू हो जाएगा, शाम के 5 एवरी डे उसका मूवमेंट। और उसको बताएगा कौन कहाँ जाना है, वो यहाँ से माइक्रो प्लान और रोज, और उस मोबाइल वैन में क्या क्या लोडेड है, क्या क्या सुविधाएं अंदर, मशीन सभी तरह की जाँचें हैं, जितने भी